नमस्कार, मैं हूँ रेखा कुमार। मेरा चैनल चटपटा खाना में आपका स्वागत है। आज हम उड़द की दाल और बाटी बनाने वाले हैं। दाल बाटी राजस्थानियों के लिए पहली पसंद होती है खाने में। कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारी बाटी सॉफ्ट नहीं बनती है, कड़क बनती है, जिससे हमें चबाने में परेशानी आती है, खाने में दिक्कत होती है। तो आज हम बिल्कुल सॉफ्ट बाटी बनाएंगे, जिसे बच्चे और बूढ़े सभी खा सकते हैं। तो चलिए दाल बाटी बनानी शुरू करते हैं। उड़द की दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 मुट्ठी उड़द की दाल ली है। ये हमने छिलके वाली दाल ली है और 1 मुट्ठी हमने चने की दाल ली है। 1 छोटा चम्मच जीरा, 7-8 लहसुन की कलियाँ, 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसको मैंने काट लिया है, और 2 हरी मिर्ची इसको भी काट कर रख दिया है। मसाले में हम 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार लेंगे, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी धनिया पत्ती। बाटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर करीब 600 ग्राम आटा लिया है, 1 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे हम इसमें, और घी, जो दाल छोंकने के लिए और बाटी बनाने के लिए दोनों में हम घी यूज़ करेंगे, पानी आवश्यकता अनुसार, और ये 2 लाल मिर्च लिए जिससे हम दाल में तड़का लगाएंगे। पहले हम इन दोनों दाल को पानी में भिगो कर रख देंगे। दाल को पानी में भिगो कर रखने से दाल के छिलके आसानी से निकल जाएंगे। जब तक दाल गलती है, हम बाटी की तैयारी कर लेते हैं। पहले हम बाटी के लिए आटा गूंद देते हैं। सबसे पहले हम इसमें ये नमक डालेंगे और ये अजवाइन लिया है, इसको हाथ में लेकर के थोड़ा क्रश कर लेंगे और थोड़ा सा ये मीठा सोडा डाल देंगे हम इसमें, और अब हम इसमें ये घी डालेंगे। हमने यहाँ पर लगभग 3 बड़े चम्मच घी डाला है। घी का मोयन डालने से बाटियाँ अच्छी सॉफ्ट बनती है। इनको मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमने आटे में मोयन मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और इसका सख्त आटा गूंदेंगे। हमने यहाँ पर बाटी का आटा गूंदकर तैयार कर लिया है। इस तरह का आटा हमको रखना है, आटा सॉफ्ट नहीं रखना है, वरना बाटी अच्छी नहीं बनेगी। गैस पर ओवन रख देंगे, गैस ऑन कर देंगे ताकि ओवन गर्म हो, तब तक हम बाटियाँ बनाकर तैयार कर लेते हैं। बाटी बनाते टाइम हमको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से हमको चारों तरफ से बाटी को पैक करना है, वरना बाटी अच्छी नहीं बनेगी। ये बाटियाँ हमने बना करके तैयार कर लिए, अब हम इनको सेकेंगे। ओवन गर्म हो गया है, अब हम एक एक करके और बाटी इसमें रख देंगे और ढक देंगे। बाटी सेकने के लिए हमें आंच मीडियम से भी कम रखनी है, तेज़ आंच पर हम बाटियाँ नहीं बनाएंगे, वरना बाटियाँ जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। अब हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। ये जो लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, इन तीनों को हम कूट लेंगे अच्छी तरह से। हमने लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को बारीक पीस लिया है। अब हम दाल बनाएंगे। गैस पर कुकर रख दिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी गर्म हो गया है, सबसे पहले हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा तड़कने लग गया है, अब हम इसमें ये लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। इनको अच्छे से हिला लेंगे।
लहसुन और प्याज लाल होने लग गए हैं। अब हम इसमें मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके इनको डालेंगे। इसको ढक करके और मसाले को उबलने देंगे। अब हम बाटी भी देख लेते हैं। बाटी एक तरफ से थोड़ी सीख चुकी है, इसको हम पलट लेंगे। जब तक मसाला उबल रहा है हम दाल को अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए आधे घंटे में दाल अच्छे से फूल गई है। अब हम इनको मसल लेंगे अच्छे से ताकि इनके छिलके निकल जाएं और इस तरह से ऊपर से पानी निकाल लेंगे। ये हमने तीन चार बार दाल को साफ पानी से धो लिया है और जितने छिलके इसके निकलने थे वो निकल गए हैं। इसी तरह से हम चने की दाल को भी दो तीन बार धो लेंगे साफ पानी से। इधर मसाला भी अच्छे तरह से पक गया है, घी छोड़ दिया है मसाले ने। अब हम इस मसाले को एक कटोरी में निकाल लेंगे। कटोरी में हमने ये मसाला निकाल लिया है। अब हम ये दाल इसमें डाल देंगे और ये पानी डाल देंगे और इसकी तीन सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे ढक्कन लगा करके। 10 मिनट हो गए हैं, एक बार हम बाटियों को चेक कर लेते हैं। बाटियाँ दूसरी तरफ से भी सीखने लगी है कि बाटियाँ इस तरह से फटने लग गई, इसका मतलब बाटियाँ सीखने वाली हैं। वापस धर देंगे हम थोड़ी थोड़ी देर में बाटियों को पलटते रहेंगे ताकि बाटियाँ चारों तरफ से सीख जाए। इस तरह से तीन सीटी आने के बाद हमने गैस बंद कर दिया था और कुकर का प्रेशर निकल गया है। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे। दाल अच्छे से पक गई है। दाल को ज़्यादा नहीं उबालनी है वरना ये उड़द की दाल है और चिकनी हो जाएगी और चिकनी दाल अच्छी नहीं लगती है। अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। गैस ऑन करके एक उबाल ले लेंगे। दाल उबलने लगी है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे। गैस बंद कर देंगे। इधर बाटियाँ भी अच्छे से सीख चुकी है। अब हम ये बाटी को उतार देंगे। कितनी बढ़िया बाटियाँ बनी है। इस तरह से जब बाटियों का मुंह फटने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बाटियाँ सीख चुकी हैं अंदर से भी। ये कच्ची नहीं है, हमने बहुत धीमे आंच पर इनको सेका है इसलिए बाटियाँ बहुत अच्छी बनी है, ये कहीं से जली नहीं है। अब हम इन बाटियों में घी लगा देंगे। थोड़ी सी बाटियों को फोड़ करके हम घी में डुबोएंगे ताकि बाटियाँ अच्छी तरह से घी को पी लें। ये बाटियाँ बनकर तैयार हो गई है। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार कर लेंगे। पैन में हमने थोड़ा सा घी रखा है, घी गर्म हो गया है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे और ये जो मिर्ची ली थी इसके हम टुकड़े करके और डाल देंगे। तड़का तैयार है, अब हम इसमें दाल में डाल देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया दाल बनकर तैयार हुई है। तो लीजिए राजस्थान का फेमस फूड दाल बाटी और लड्डू बनकर तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट खाना लगता है और सबको बहुत पसंद आता है। हमारे यहाँ मेहमान आने पर हम विशेष रूप से यही भोजन बनाते हैं। तो आप भी इसी तरह से दाल बाटी बनाइए और सबको खिलाइए। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल चटपटा खाना को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।